भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? हमको तो अपने संसार में बुलाते नहीं और हमारे संसार में बिना वीजा के पहुंच जाते हैं। भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। तो क्या भगवान बिना अवतार लिए राक्षस को नहीं मार सकते? क्या भगवान के लिए जरूरी है कि धनुष बाण लेके ही रावण को मारे? ठीक है, वो विश्वामित्र के साथ घूमे राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन इतने सारे साधु थे, क्या वो सबके बॉडीगार्ड बने? और साधुओं की रक्षा भगवान भीतर से करते हैं, उसके लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो धर्म के संस्थापन के लिए आते हैं, तो धर्म सनातन है, सदा से सदा तक। भगवान कोई नया धर्म नहीं बनाते। देखिए, कृष्णावतार हुआ, जैसे कृष्णावतार पूरा हुआ कलयुग शुरू हो गया। तो कौन से धर्म का संस्थापन हुआ जी? भगवान ने कोई भी काम किया, क्यों किया? अब भगवद गीता के श्लोक बड़े विख्यात हैं अवतार संबंधी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर कहा गया कि भगवान का अवतार तीन कारणों से होता है। पहला कारण, राक्षसों को मारने के लिए आते। दूसरा कारण, साधुओं की रक्षा के लिए आते। और तीसरा कारण, धर्म के संस्थापन के लिए आते। लेकिन ये तीनों कारणों पर विचार करें। भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते, तो क्या भगवान बिना अवतार लिए राक्षस को नहीं मार सकते? क्या भगवान के लिए जरूरी है कि धनुष बाण लेके ही रावण को मारे? अरे, रावण के अंदर एक कैंसर उत्पन्न कर देंगे, रावण का बाप भी मर जाएगा। भगवान तो सत्य संकल्प है। भगवान जो सोचे ये पानी रावण के लिए विष बन जाए, बस खत्म। इसीलिए तो जब सुग्रीव ज्यादा डर रहा था, राम ने कहा, सुग्रीव तू डरता है? महाराज, ये रावण कुंभकर्ण बड़े शक्तिशाली हैं। राम ने कहा, सुग्रीव तू जानता नहीं मैं कौन हूं। सुग्रीव ने मन ही मन सोचा, महाराज आप कौन हैं? हम बंदरों ने पुल बनाया तब आपको लंका में एंट्री मिली है, वरना तो आप इंडिया में पड़े रहते। अरे सुग्रीव, वो तो मेरा एक्टिंग वाला रूप है, लीला वाला, मेरा असली रूप जानना चाहता है। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्यान चैव राक्षसान अंगुलग्रेण तान हन्या मिच्छन हरिगणेश्वर। अगर मैं श्री राम बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून को यों टेढ़ा कर दूं, तो रावण क्या, कुंभकर्ण क्या, पूरे ब्रह्मांड के राक्षस मर जाएंगे। तो सुग्रीव ने कहा, महाराज आप रावण को ऐसे मार सकते हैं? वाल्मीकि रामायण का श्लोक आपको बताया, तो फिर ये सब नाटक क्या हो रहा? राम भालू कपी कटक बटोरा, तुम भी हेल्प करो, तुम भी हेल्प करो। राम ने कहा, अरे सुग्रीव, ये तो मैं इसलिए ड्रामा कर रहा हूं कि तुम बंदरों को सेवा मिल जाए। अगर मैं रावण को ऐसे मारूंगा, तुम सेवा कैसे करोगे? तो ये भगवान की लीला, हम कहें वो राक्षस को मारने के लिए आते हैं, ये अंडरस्टेटमेंट हो जाता। दूसरा ले, साधुओं की रक्षा करना। ठीक है, वो विश्वामित्र के साथ घूमे राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन इतने सारे साधु थे, क्या वो सबके बॉडीगार्ड बने? और साधुओं की रक्षा भगवान भीतर से करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान की प्रतिज्ञा है, चाहे अवतार हो चाहे अवतार न हो, जो भगवान के शरणागत होगा, भगवान भीतर से उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। उसके लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। एवं नंबर तीन, धर्म का संस्थापन। भगवान जो धर्म के संस्थापन के लिए आते हैं,
तो धर्म सनातन है, सदा से सदा तक। भगवान कोई नया धर्म नहीं बनाते। देखिए कृष्णावतार हुआ, जैसे कृष्णावतार पूरा हुआ कलयुग शुरू हो गया, तो कौन से धर्म का संस्थापन हुआ जी? तो हम ये गीता का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी गहराई में जा रहे हैं। उसकी गहराई भागवत में बताई गई। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान कोई भी काम क्यों करते, कोई भी काम, अब चाहे वो रावण को मारा, चाहे बाली को छिपकर मारा, चाहे सीता जी का परित्याग किया, भगवान ने कोई भी काम किया, क्यों किया? देखिए हम लोग कोई भी काम करते क्यों करते हैं? हम लोग आनंद के लिए, आनंद की हमको इच्छा है और आनंद के लिए हम प्रयत्न करते हैं। जो भी करेंगे अपने आनंद के लिए करेंगे, किंतु भगवान आनंद में लीन है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद सिंधु है, उनको आनंद पाना नहीं है। इसलिए भगवान जो भी करेंगे अपने आनंद के लिए नहीं, जीवों के आनंद के लिए, यानी जीवों के कल्याण के लिए करेंगे। तो भगवान कोई भी कार्य क्यों करते हैं? अवतार लिया, अवतार लेकर लीलाएं की, जीव कल्याण के लिए। इसको एक दृष्टांत से समझिए। देखिए मक्खन होता है ना जी साहब, आप मक्खन को आग पर रखें तो आवाज करता, फट 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 फट। क्यों आवाज करता? उसके अंदर जो छाछ है वो फट रही है तो मक्खन आवाज करता। फिर जब घी बन जाता तो चुप हो जाता, अब आवाज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पक गया। तो ऐसे ही हम लोग कार्य करते हैं आनंद के लिए, और भगवान वो घी के समान, उनको कुछ करना ही नहीं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। लेकिन एक महिला ने कहा, स्वामी जी मेरे घर में तो घी भी आवाज करता है, पट 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 पट। हमने कहा, देवी जी सबके घर में तो मक्खन आवाज करता है पट पट पट, आपके घर में घी भी पट पट आवाज करता? हाँ स्वामी जी। कब करता? जब मैं उसमें सूखे आटे की रोटी डालती हूं तो आवाज करता। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो जब पूड़ी बन जाती है तो घी चुप हो जाता? फिर आप दोबारा रोटी डालते हैं, फिर से आवाज करता है? फिर वो पूड़ी बन जाती है, फिर चुप हो जाता है? जी साहब, इसका मतलब घी अपने लिए आवाज नहीं करता है, वो रोटी को पूड़ी बनाने के लिए करता। इसी प्रकार से भगवान पके पकाए हैं, या तो वो कुछ भी न करें, और या करेंगे तो जीवों के कल्याण के लिए करेंगे। तो भगवान अवतार लेकर क्यों आए? जीव कल्याण। अब अवतार लेकर उन्होंने जो जो लीलाएं की वो सब जीव कल्याण के लिए, भले हमको समझ में न आए उसमें जीव कल्याण क्या था। इसमें क्या आश्चर्य की बात है, हम दो उंगल की बुद्धि हम समझे क्या? लेकिन भगवान ने वो सब लीलाएं करके हम सबको भक्ति करने का एक आधार दे दिया। आज आप जो राम 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 करते हैं ना, भगवान का नाम लेते, यदि राम अवतार नहीं होता तो आप कैसे जानते किस आधार पे मन को टिकाते? यानी जो भी भक्ति हो रही है, क्योंकि भगवान अवतार लिए और नाम रूप लीला गुण धाम यहां छोड़ दिए, तो हम सब जीवों को भक्ति करने का एक अवलंब मिल गया। तो इसलिए अवतार संबंधी हमको शंका नहीं करनी है, हमको दिव्य भाव बना के मन को लगाना है।
तब जाके भक्ति में सफलता मिलेगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।